18 जनवरी को निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक न्यू स्कीम है जो मार्केट में लाई जा रही है, जिसका नाम निपोन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड्स के बारे में सब जानते होंगे, जनरली FOF जो होते हैं किसी अदर म्यूचुअल फंड की किसी ETF की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फंड जो होते हैं फंड ऑफ फंड्स कहे जाते हैं। और एसेट एलोकेटर के फंड्स बारे में आप सब जानते होंगे, एसेट एलोकेटर फंड होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी एक ही एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। डिफरेंट एसेट्स लाइक गोल्ड और बॉन्ड्स, कैश, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो इन टाइप के जो है एसेट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क एडजस्ट करने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। अभी कुछ टाइम पहले ही, आज से 5-6 महीने पहले, निपुण इंडिया का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी लॉन्च हुआ था। और ये जो फंड है एक फंड ऑफ फंड है और एसेट एलोकेटर ही फंड है, डिफरेंट टाइप के एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी, बट इन्वेस्टमेंट रहेगी किसी अनदर म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होंगी उनमें इन्वेस्टमेंट रहेगी, ETFs में इन्वेस्टमेंट रहेगी। अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके कौन से एसेट्स अलग हो जाएंगे, तो एसेट्स बिल्कुल अलग होंगे, लाइक गोल्ड ETFs में और अलग अलग सेक्टर के ETFs होंगे, उन टाइप के जो कुछ ETF जो होंगे बॉन्ड्स में, कुछ म्यूचुअल फंड होंगे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के होंगे, कुछ बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स होंगे, तो उन टाइप की यूनिट्स में इन्वेस्ट किया। आपको पता है कि कभी भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो में। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना अकाउंट ओपन करके जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फंड का जो इशू है 18 जनवरी 2021 से लेकर 1 फरवरी 2021 तक ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग NFO पीरियड इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फंड है जो रीओपन हो जाएगा 15 फरवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए। फंड को जो मैनेज करेंगे मिस्टर प्रशांत पिंपल जी, इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम का जो बेंचमार्क है क्रिजिल हाइब्रिड 50+50 इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क है। तो अगर हम बात करें एग्जिट लोड के बारे में, अगर आप 10% से ज्यादा की अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं 1 साल से पहले पहले, तो आपको 1% का जो है एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 10% से कम अपनी यूनिट्स रिडीम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड देने की नीड नहीं है। स्कीम में जो रिस्क है वो हाई है और मिनिमम लंपसम आप इसमें 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप मिनिमम SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1,000 रुपीज से आप इसमें अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्कीम का जो एक्सपोजर है, पोर्टफोलियो रहेगा वो डेट ओरिएंटेड स्कीम में अप टू 100% और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में जो है अप टू 100% तक का रह सकता है। अगर हम बात करें इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स जो होती हैं जनरली ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड टाइप के ही फंड होते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं इन फंड्स में जो अप टू 65% का जो एक्सपोजर है वो इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में रहता है, वो फंड्स जो होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स कहा जाता है। और जिन फंड्स में अप टू 65% तक का एक्सपोजर डेट सिक्योरिटीज में रहता है वो फंड्स डेट ओरिएंटेड स्कीम्स कहा जाता है। और गोल्ड ETFs में जो इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर रह सकता है पोर्टफोलियो का वो अप टू 25% तक का, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और लिक्विड स्कीम्स की यूनिट्स में अप टू 5% तक का एक्सपोजर जो पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल में ग्रोथ करना है इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में और गोल्ड ETF की यूनिट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करके वहां से लंबे समय के लिए जो पोर्टफोलियो में कैपिटल में ग्रोथ करना, इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। और हालांकि जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो कोई भी गारंटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। तो अगर हम बात करें इसी टाइप की कैटेगरी जो फंड है, एसेट एलोकेटर फंड है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, इस फंड ने जो पिछले 3 ईयर में एनुअल रिटर्न दी है 11.33% की रिटर्न है जो डिलीवर की है, और वहीं 5 साल में 12.67% की एनुअल रिटर्न जो है डिलीवर की है। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में एनुअल रिटर्न 10.19% के आसपास जो डिलीवर की है, और वहीं पिछले 1 साल में 15.51% की रिटर्न, और पिछले 1 महीने की जो रिटर्न्स डिलीवर की हैं 3.79% की रिटर्न्स ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ने डिलीवर की हैं।
तो चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन से निवेशकों के लिए ये फंड जो सुइटेबल है, क्योंकि रिस्क है जो स्कीम में हाई है। तो देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि जो इक्विटी फंड्स होते हैं उनमें अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, इनफैक्ट मैं ही नहीं हर कोई कहता है, तो आपको जो है अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो रिस्क है, आपका पोर्टफोलियो है, वो डिवर्सिफाई हो जाता है। देखिए, आप भी, मुझे लगता है कि आप भी अपना पोर्टफोलियो सिर्फ म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में ही नहीं बनाते होंगे, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे ताकि रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए, और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे ताकि रिटर्न को जो है रिस्क एडजस्ट किया जाए। तो अलग अलग एसेट में आप भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो ठीक इसी प्रकार जो ये फंड है, रिस्क को एडजस्ट करने के लिए, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये फंड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर आपका जो व्यू है इन्वेस्टमेंट का 4 to 5 ईयर के लिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगी। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज को अलग अलग जगह जो रखा जाता है वहां पर, अगर अलग अलग एसेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बट अगर आप ऐसे इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अलग अलग एसेट्स में, तो आपके लिए निपुण इंडिया एसेट एलोकेटर फंड जो सुइटेबल है। अगर आपको ये फंड में कोई प्रॉब्लम डाउट है तो और भी फंड है, एसेट एलोकेशन फंड है, उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके तभी किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको राय दे सकता हूँ, स्कीम की डिटेल्स दे सकता हूँ, क्योंकि जो आपके एडवाइजर हैं वो आपके ज्यादा करीब रहते हैं, उनको आपके बारे में ज्यादा नॉलेज है, आपकी प्रोफाइल के बारे में उनको आपके बारे में ज्यादा पता है। तो आप उनसे एडवाइस दीजिए। अगर आप फिर भी किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट आपको बता दें कि अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमारी जो पेड फीस होती है वो आपको जो है पे करनी होगी। तो बात करूं वहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।